कोई निगेटिव निकाला मजाक बने उससे हमारा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है नहीं हम जो मंजिल पर चढ़े वही मंजिल पर चलेंगे और हमको गधे से आगे बढ़ना है और दिल्ली तक गधे से पहुँचना है तो लोग आम जनता को गधा समझते हैं अरे वाह आम जनता को गधा समझते इसलिए कि आम जनता से भेंट नहीं करते हैं जीत जाते हैं तो लग्जरी गाड़ी से दिल्ली जा कर ए रूम में सो जाते हैं फिर ए रूम से निकलते थे यहाँ ए रूम में सो जाते हैं अगर आम जनता जाते हैं भेंट करने के लिए तो कहते हैं कि नहीं सांसद जी कहाँ है आ तो दिल्ली है आ तो दिल्ली है आ. आ तो कब भेंट होगा आ तो आएंगे तो हम बताएंगे लेकिन भेंट नहीं होगा वो दिल्ली है तो कोई पटना है आ क्षेत्र में नहीं घूमते हैं ना किसी से मिलते हैं ना जुलते हैं इसीलिए हम सोचे कि नहीं अब गदहा से हम नाम करना है कि अब जनता गधा नहीं है अब नेता गधा है नेता गधा जनता गधान है जनता सोच समझ कर वोट डालेंगे जो जनता के बीच में रहे काम हम करे सब लोग से मिलजुल कर रहे उन्हीं को वोट देंगे जनता इसलिए हम इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि जनता के हित में काम करें सारे नेता लोग को आप लोग देखे होंगे लेकिन ये बिहार के कैसे नेता हैं जो नॉमिनेशन कराने इस गधे पे बैठ के गए हैं और जब से गए हैं ये चर्चा का विषय बना हुआ है अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये गधे पे बैठे हुए हैं और आज इनसे बातचीत करेंगे कि नॉमिनेशन करवा के आ रहे हैं आज कैसा लग रहा है और गधे पे सवारी करके ऐसा मतलब अजूबा कार्य करते हैं गधे पे बैठ के एकदम आप चर्चा का विषय बने हुए हैं पूरे बिहार में हर तरफ चर्चा हो रहा है कि भाई साहब लोग लग्जरी गाड़ियों में बैठ के जाते हैं नॉमिनेशन करवाने लेकिन आप जो है गधा पे गए आखिर ऐसा क्यों सर इसलिए हम गधा पर नॉमिनेशन कराने आए हैं कि नेता लोग आम जनता को गधा समझते हैं अरे वाह आम जनता को गधा समझते इसलिए कि आम जनता से भेंट नहीं करते हैं जीत जाते हैं तो लग्जरी गाड़ी से दिल्ली जाकर ए सी रूम में सो जाते हैं फिर ए सी रूम से निकलते थे यहाँ ए सी रूम में सो जाते हैं अगर आम जनता जाते हैं भेंट करने के लिए तो कहते हैं कि नहीं सांसद जी कहाँ है आ तो दिल्ली है आ तो दिल्ली है आ तो कब भेंट होगा आ तो आएंगे तो हम बताएंगे लेकिन भेंट नहीं होगा वो दिल्ली है तो कोई पटना है आ क्षेत्र में नहीं घूमते हैं ना किसी से मिलते हैं ना जुलते हैं इसीलिए हम सोचे कि नहीं अब गदहा से हम नाम करना है कि अब जनता गधा नहीं है अब नेता गदा है नेता गधा जनता गधा है ना जनता सोच समझ के वोट डालेंगे जो जनता के बीच में रहे काम उम करे सब से मिलजुल कर रहे उन्हीं को वोट देंगे जनता इसलिए हम इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि जनता के हित में काम करेंगे हम अच्छा जा जा इस सवारी से जाने के लिए तो आपने किसी से राय परामर्श तो लिया होगा कि हमें नॉमिनेशन गधा पे जाना है तो कौन से ऐसे मित्र थे जो आपको मतलब सजेस्ट किया के ना ठीक है गधा पे ही आप जाइए हमारे एक मित्र है डॉक्टर दिलीप कुमार शर्मा आयरन चौहान और तिवारी भाई हमारे दूधना तिवारी ये लोग हम लोग बैठ कर राय किए तो वो लोग नहीं अच्छा है आप इस पर आप सवार होकर के आप नामनेशन किए अच्छा मैसेज जाएगा समाज में मैसेज तो कर जो आप बोले हैं एकदम बिल्कुल सही बोले हैं लेकिन एक, एक दो पहलू होता है हर चीज़ का अगर कोई इसका निगेटिव निकाले कि आप गधा पे बैठ के जा रहे हैं तो कोई मजाक भी आपका बनाएगा तो इसके लिए क्या बोल नहीं हम कोई निगेटिव निकाला मजाक बना उसमें हम कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है नहीं हम जो मंजिल पर चढ़े वही मंजिल पर चलेंगे और हमको गधे से आगे बढ़ना है और दिल्ली तक गधे से पहुंचना है तो मतलब वोट मांगने भी गधे वोट भी मांगे तो गधे से वोट क्षेत्र में गधे से वोट मांगेंगे हर जगह हमारा गधा जहाँ भी हम जाएंगे गधे लेके जाएंगे और गधे से भी वोट मांगे मतलब जीत जाने के बाद क्या कुछ आप क्या कीजिएगा यहाँ की जनता जीत जीत जा जीत जाने के बाद हम यही सोचे हैं कि सबसे पहले चीनी मिल सशम सक है उनको हम चालू करवाएंगे आ उसके बाद यूनिवर्सिटी गोपालगंज में खुलवाएंगे लॉ कॉलेज खुलवाएंगे उसके बाद जो सारा बांध है उसको हम पीसीसी कराएंगे उसके बाद जनता को जो किसान ऋण लिया है के सी सी वो भी माफ़ करवाएंगे हम तो वादा तो सब लोग करता है फिर वादे से लोग नहीं हम वादा नहीं कर, हम करते हैं हम लड़ कर करते हैं दिखाते हैं जब मंदिर पर पहुँचेगा ना तो जो नहीं होता दीवार दीवार तोड़ करके उसमें घुस के काम करेंगे हम दीवार को तोड़ देंगे लेकिन कल जब गधा से जब आप नॉमिनेशन करवाने गए होंगे तो आ, काफी भीड़ देखा गया है आपके इर्द गिर्द में लोग हंस रहे थे आप जहाँ नॉमिनेशन करवाने गए थे वहाँ पे जो ऑफिसर लोग थे वो भी लोग हंस रहे थे तो क्या हाँ ऑफिसर लोग को हंस रहे थे कि आप कैसे गधा से नॉमिनेशन कराने आए हैं हम कहें सर हमारा गधा सवारी है इसीलिए गधा से नॉमिनेशन कर तो बोले तो वाहन को परमिशन ले लीजिए हम बोले हमारे हमारे सामने वाहन की क्या जरूरत है हमारा मूल सवारी गधा है गधा से वो वोट मांगे तो प्रशासन लोग बोले पदाधिकारी कि नहीं तो उसका परमिशन ले हम बोले नहीं हम परमिशन क्या जरूरत हम गधे से वोट मांगे तो वो बोल कि नहीं तो गधा खिलाने के लिए अथी चाहिए परमिशन चाहिए ना चारा वरा के लिए हम उसको परमिशन की जरूरत नहीं है हम रोड पर जो घास जमा हुआ है वही घास चरवा करके वोट मांगे लेकिन आपको परमिशन कोई आवश्यकता हमको नहीं है अच्छा ये तो खैर चर्चा का विषय है कि गधा पे बैठ के आप जा रहे हैं वोट मांगेंगे नॉमिनेशन करवाएं लेकिन जो आपके विपक्ष में हैं वो लोग भी तो चाहेंगे कि हम जीते सभी लोग दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे इसमें आ, मोदी जी भी काफी लहर चल रहा है लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के लहर में कोई यहाँ पे टिकेगा ही नहीं तो फिर कैसे आप हमारे सामने मोदी जी नीतीश जी लालू जी कोई कुछ नहीं है जनता हमको फैसला करेगी जनता हमको भेजी है कि नहीं आप जाइए नॉमिनेशन कीजिए हम आपके साथ है पूरे जिला के जनता हमको समर्थन दी है इसीलिए हम नामिनेशन किए हैं यहाँ पे कुछ आम जनता भी है इन लोगों से भी थोड़ा सा जानेंगे अभी तक अपने इतना उम्र हो गया कभी किसी नेता लोगों को इस तरह से नॉमिनेशन करवाते हुए देखे दे। ना, नहीं 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 ये नेता इसको थोड़ा बैक ना, ना, बैक ना, बैक कीजिए 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 आ, आ जाओ आ जाओ अच्छा नेताजी के बारे में क्या कहिएगा नेताजी के बारे में क्या बहुत अच्छा है नेताजी काम करेंगे बहुत काम करेंगे पे बैठे हैं तो कैसा लग रहा है बहुत अच्छा अच्छा हाँ अच्छा मतलब साथ दीजिएगा साथ देंगे हम क्या कहिएगा आप आइए आइए निर्दलीय लड़ रहे हैं अभी तक आप देखे थे किसी नेता को गधा पे बैठ के नॉमिनेशन करवाना वोट मांगने जाना इतना तो उम्र में उस समय आता है तो जो ही मिल जाता है साथ में वही उपयोग होता है उसमें कोई बात नहीं है साथ नहीं साथ देंगे निर्दलीय से हैं तो साथ लेकिन किस पार्टी से हो गए आखिर उनको बिना मिलेगा ना कोई कोई निशान मिलेगा किस पार्टी का निशान मिलेगा इनको वो आधार से निसान, निसान गए, भी गए। से तो भी गधा चर्चा का विषय बना हुआ है 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 अभी की पे बैठ के घूम रहे हैं ठीक है, ठीक, है। ठीक बाकी क्या बोलिएगा आप लोग थोड़ा सा इनके बारे में नेताजी के बारे में नेताजी बहुत कोई विकास करेगा गधा पे बैठ के चुनाव लड़ चुनाव लड़ गए अरे खचर है गधा है कुछ भी है हाँ, गधा है हैं ना से तो विकास करके जीतेंगे विकास करके ये बात नहीं है तो उनका क्षेत्र में सब मुझे घूमे के गधे से घूमेंगे चर्चा है चर्चा है बहुत चर्चा है ये बात नहीं है हम हाँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी नेताजी जो हैं इस गधे पे बैठ के गोपालगंज में नॉमिनेशन करवाने गए थे रुगे, रुगे। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गधे पे बैठे हुए हैं और इसी प्रकार से गधे पे बैठ के गोपालगंज जिला में जाते हैं और जैसे ही जाते हैं वहाँ पे एकदम भीड़ इकट्ठा हो जाती है लोग देखने लगते हैं कि भाई ये तो एकदम अजूबा है और ऐसे में कैसे नेताजी गधा पे बैठ के नॉमिनेशन करवाने आ गए हैं क्या कहिएगा इस तरह से कभी देखे थे नहीं कभी नहीं देखे थे फर्स्ट बार देख रहे हैं है? इनको आगे भी, आ, आगे, आगे, आगे भी आगे आगे भी मतलब कि बहुत ही रहेंगे हाँ हम लोग इनको बहुत ही करते हैं लाइक करते हैं ए, हमारे मतलब कि सामाजिक नेता हैं ठीक थी, है ना गधा पे बैठने से पूरा बिहार में चर्चा हाँ, एकदम बहुत बढ़िया ऐसा ऐसा कौन सा नेता आ गए भाई की एकदम मतलब फर्स्ट बार ही आए हैं तो चर्चा का बात है ही है चर्चा का ही बात है फर्स्ट बार आए हैं चलिए अंत में जाते जाते हम चाहेंगे की तमाम जो जनता आपको देख रही है उनसे क्या अपील कीजिएगा हम मुझसे अपील यही करेंगे हमको आशीर्वाद दे वोट दे जिताए संसद भवन में भेजे बाकी नेता लोगों की तरह आप कार्य नहीं कीजिएगा हम तो ए सी रूम वाले थोड़ी है हम जनता के बीच में रहते धूप में बारिश में घूमते रहते हैं भीगते रहते हैं जनता को काम करते रहते हैं वो ये तो ठीक है और हमारी यह बातचीत और यह जी का जो स्टाइल है इस स्टाइल के बारे में आप जरूर कॉमेंट कीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार